ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के इस ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान शिव जो महायोगी हैं, महाध्यानी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उनकी अनुकंपा आप साक्षात अनुभव करेंगे ध्यान के माध्यम से। ध्यान के लिए आपको जो भी आपके पास सामग्री में आवश्यकता पूर्ण जो सामग्री बताई गई है उसमें जो भी आसानी से उपलब्ध है वो आप उपलब्ध कर लें। कुछ लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करने में, कई लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हैं आप लें। भगवान शिव को केवल भाव की आवश्यकता है आपके, तो आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ध्यान करें, अपने आप से जुड़ें, साथ साथ अपने आप को मन और शरीर से तैयार करें। श्रद्धा के साथ साथ शारीरिक ऊर्जाओं को एक संतुलन में रखने के लिए आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। खान पान में आप कोई भी भारी देर से पचने वाला जैसे राजमा, पनीर, छोले इत्यादि जो तीक्ष्ण भोजन है ऐसे भोजन का प्रयोग ना करें। आप सात्विक भोजन लें। सात्विक भोजन में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, भिगोकर ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, सलाद, फल इत्यादि का प्रयोग करें, साबूदाना ले सकते हैं, कुछ लोग आलू का प्रयोग करते हैं तो आलू भी ले लिया जा सकता है। अपनी ऊर्जाओं को आपको एक आधार देना है, एक संतुलन में रखना है, तो आप सबसे जरूरी है मृत भोजन ना करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आपको ध्यान का अभ्यास करना है, उस परम शिव तत्व को अनुभव करना है, अपनी आत्मा में अपने आप से जुड़ना है, उसके लिए आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग जो व्रत रखते हैं कि बस हमें व्रत रखना है, उसके लिए चाहे हमें शारीरिक कितना भी कष्ट हो, मानसिक कितना भी कष्ट हो, तो मैं उन सभी से यह भी अनुग्रह करूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्रत रखें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो व्रत बिल्कुल ना रखें, वो उपवास करें। उपवास का अर्थ होता है कम भोजन लेना, आहार चयनित आहार लेना जो उपयुक्त हो। जैसे मैंने आपको बताया पहले, आप फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, तो आप जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो व्रत ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, ताकि शाम तक होते होते आपके सारे ऊर्जाएं बिल्कुल गिर जाए और आपको सिरदर्द हो जाए, कहीं आपको और दूसरी समस्याएं हो जाती हैं, पीएच लेवल बिगड़ जाता है बॉडी का, तो आप उपवास बेहतर है सबके लिए, उपवास करें। और पवित्र मन से, पवित्र भाव से जो भी आवश्यक सामग्री आपको उपलब्ध हो सके उसी सामग्री के साथ, अपने भाव के साथ उस परम शिव को अर्पित करें अपने भाव को और इस महाशिवरात्रि का पूर्ण आनंद लें, पूर्ण लाभ लें। तो कल 9:30 बजे हम ठीक जूम के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ेंगे और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से ओम नमः शिवाय जो महान मंत्र है, इस महान मंत्र का जप करते हुए ध्यान की उस परम प्राकाष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा आपके जीवन में एक रूपांतरण होगा। तो ये अवसर है, इसे न गवाएं। अपने मित्रों को भी जरूर जोड़ें, अपने परिवार के लोगों को जोड़ें इस ग्रुप में, और कल महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सब भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब के लिए ये महाशिवरात्रि शुभ हो। ओम नमः शिवाय।